भाविकाजन कल्याण संस्थान एनजीओ के तत्वाधान में अध्यक्ष श्री सीताराम नारनोलिया के नेतृत्व में जयपुर से पधारकर कोरोना वायरस कोविड 19 से बचाव हेतु मीणा ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में आवश्यकतामंद लोगों के लिए मास्क का वितरण किया गया। हर मोहल्ले में सभी लोगों तक पहुँच सके, साथ ही खाद्यान्न सामग्री में जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क आटा वितरण भी किया गया। अन्य सामग्री जयपुर सीताराम नारनोलिया ने जयपुर से अपनी गाड़ी द्वारा खाद्यान्न वितरण प्रभारी राहुल प्रजापत की दुकान में रखवाया। सीताराम नारनोलिया ने बताया कि हमारी संस्था इस वैश्विक महामारी में जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति करने के लिए तत्पर है। पूर्व में भी संस्था ऐसे जनहित के कार्य करती रही है, यहां तक कि लॉकडाउन के समय में जयपुर से दवाई भी लाकर दी जा रही है। जो भी व्यक्ति केवल इनके व्हाट्सएप पर दवाई की पर्ची भेजता है, उनके घर तक दवाई पहुँचाने का काम भी मैं स्वयं करता हूँ। इस अवसर पर मारोट थाना अधिकारी दिलीप सहल, मनशा राम मेघवाल, अध्यापक जगदीश नारनोलिया, राहुल प्रजापत, नरेंद्र परिहार, वार्ड पंच हनुमान डूडी, नरपत सिंह, भवानी शंकर सेन, हिमांशु वर्मा, संतोष उज्जैनिया, सलीम आदि ग्रामीण जन उपस्थित आज थे। हम ग्राम पंचायत मीणा के अंदर और ग्राम पंचायत मीणा के अंदर एक कई सेवाई भावी संस्था है, और आज एक सेवा भावी संस्था है भाविका जन कल्याण संस्थान, जो ये जब से लॉकडाउन हुआ है जब से सेवा कर रही है ग्राम पंचायत मीणा के अंदर। हम इनके संस्थापक हैं, जो भाविका जन कल्याण संस्था है उनके संस्थापक से बात करना चाहेंगे कि सबके द्वारा किन किन प्रकार की सेवा की गई है। जयपुर से ग्राम पंचायत मीणा 75 किलोमीटर जयपुर से किस परिस्थितियों के अंदर आज ग्राम पंचायत मीणा के अंदर आ रहे हैं, हम सर से बात करना चाहेंगे। जी सर, भाविका जन कल्याण संस्थान एक एनजीओ है जो संपूर्ण राजस्थान में काम कर रहा है, और आज हम ग्राम पंचायत मीणा जो मेरी जन्मभूमि है उसमें हम आए हैं। 3 दिन पहले भी आए थे और सभी ग्रामवासियों को हम मैसेज दे रहे हैं कि 3 फुट की दूरी बना के 6 फुट की दूरी पे ही वो रहें, पास में आने की कोशिश नहीं करें। और ये हमारा यहाँ का कार्यालय हमने खोला है जहाँ पर 24 घंटे हमारा एक नंबर है जिस पे किसी भी व्यक्ति को मास्क और भोजन की अगर कमी है तो वो हम शीघ्र पूरी करेंगे। और ये संस्थान समस्त राजस्थान में अपनी सेवाएँ दे रहा है, और इसके साथ साथ ही नवोदय एलुमिनी एसोसिएशन राजस्थान, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ, और वर्तमान में नवोदय परिवार पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान के सभी जिलों में और जयपुर शहर सहित हर जगह हमने हमारे आदमियों के हिसाब से हेल्प सेंटर स्थापित किए हैं, वो भी सभी की मदद कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गाँव वासियों को भी कि वो गैप मेंटेन कर रहे हैं और उस चीज़ को समझते हैं। हम अब मैं समस्त ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप दूरी बना के रखें, घर में रहें, और जो भी सामग्री या मास्क है वो घर ही पहुँचेगा, किसी को भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि हम इस संकट से दूर आ सकें। और इस कार्य में हमारे इस कार्यालय के प्रभारी भाई राहुल प्रजापत जी, सरवण कुमार जी ठेकेदार साहब, नरपत सिंह जी व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष महोदय, और वार्ड पंच ब्रजमोहन जी, और भवानी शंकर सेन जी, सलीम भाई, एक हमारे भाई उधर से आए हैं मुस्लिम मोहल्ले से, और हमारे लाला बना मनसाराम जी, जगदीश प्रसाद जी, नायक समाज के प्रतिष्ठित माननीय शंकरलाल जी नायक, और वार्ड पंच हनुमान जी डूडी सहित सभी ग्रामवासी मौजूद हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा गाँव के जाती है, और इससे लोगों में जागरूकता आती है। अरुण भाई और भूपेंद्र सिंह जी, भाई राजेंद्र वर्मा जी, आप सभी को मैं इस एनजीओ के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जनता की समस्याओं को उठाते हैं, अच्छे कार्यों को जनता तक पहुँचाते हैं। और मैं पुणे ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप दूरी बना के रखें और अपने घर पर रहें, जो भी समस्या हो ग्राम पंचायत मीणा और भाविका जन कल्याण संस्थान एनजीओ मिलकर हम सब प्रयास कर रहे हैं इस गांव में कोई भाई भूखा न सोए और किसी भाई के पास मास्क की कमी नहीं आए। इसी तरह का प्रयास हमारा जारी है, आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा काम है भाविका जन कल्याण संस्थान एनजीओ की तरफ से। ग्राम मीणा के अंदर 500 मास्क और आटे का वितरण किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा काम है। लॉकडाउन के दौरान
राशन सामग्री की समस्या आ रही थी। बालिका जन कल्याण संस्थान के जो अध्यक्ष हैं सीताराम जी नारनोलिया, उन्होंने जन कल्याण के बहुत ही अच्छा काम किया। अब प्रशासन की ओर से आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, कोरोना वायरस के प्रति सचेत रहें, बार बार हाथ धोते रहें और मास्क के जब भी आवश्यकता हो मास्क लगा के ही बाहर निकलें। इमरजेंसी सेवा के अलावा बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। कोविड 19 सर्विलांस टीम है, इसके प्रभाव के रूप में काम कर रहे हैं। मिंडा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुई है। आज तक 214 लोग यहाँ पर बाहर से आ चुके हैं और सभी की निगरानी के लिए पूरे शिक्षकों को और यहाँ पर जो कार्यरत जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको हमने उनके लिए लगा रखा जी सर। और जैसा कि देखा जाए जो लॉकडाउन का कई लोग पालन नहीं कर रहे और आपकी टीम हमेशा उनको आए दिन समझाने जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हम जब भी बाहर कुछ लोगों को बैठा देखते हैं तो हमने बार बार उनको समझा कर अंदर बैठने के लिए या घर के अंदर रहने के लिए कहा है, लेकिन ऐसी ज़रूर शिकायतें रही है कि बार बार बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी ग्रामवासी सभी अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। सर आपका नाम? जी सर, मेरा नाम मनसाराम मेघवाल, अध्यापक मिंडा। बालिका जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक संस्थान है, उनके द्वारा ग्राम पंचायत मिंडा में और आई समस्या के अंदर सहयोग कर रही है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर, एक बालिका जन कल्याण संस्थान है जो गांव में ज़रूरतमंद लोगों को एक फ़ोन करने पर भी आवश्यक सामग्री जैसे आटा तेल नमक जो भी है, और पहले भी यहां के अध्यक्ष श्री सीताराम जी नानोलिया जिनके माध्यम से दो रोज पहले गांव में 300 मास्क सैनिटाइजर वितरण किए गए, उसमें आटा भी रखवाया गया, ज़रूरतमंद लोगों को आटा भी वितरण किया गया, उनकी कोई किसी प्रकार की फ़ोटो वोटो नहीं ली गई, नहीं कोई सोशल मीडिया पे उनका प्रचार किया। एक बहुत ही अच्छा कदम है और हम सभी गांव वालों से निवेदन करते हैं कि हम सब ग्राम पंचायत मिंडा और भाविका जनकल्याण संस्था मिलकर इस कोरोना वायरस के बारे में हम मुकाबला करें, तो हम अपने गांव को जैसे एक एक आदमी सुरक्षित रहेगा, एक एक परिवार से सुरक्षित रहेगा, एक एक परिवार से पूरा गांव से सुरक्षित रहेगा और एक एक गांव से पूरा जिला, अरे पूरे जिले से पूरा राजस्थान और एक एक राज्य से, इस प्रकार हम पूरे देश में कोरोना की मुहिम से बच सकते हैं। और इस प्रकार जिस प्रकार भाविका जनकल्याण संस्थान कार्य कर रहा है उसी प्रकार से कई एनजीओ कार्य कर रहे हैं, और इस प्रकार की सकारात्मक सोच के लिए सर सीताराम जी नानोलिया का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे आम जनता को? हम चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सरकार और प्रशासन का सहयोग करें और अनावश्यक जरूरी कार्य हो तभी बाहर निकले और 6 फीट की दूरी रहे, एनी टाइम मास्क का प्रयोग, अगर बाजार से नहीं है तो जैसे मेरे पास में एक हाथ से बनाया हुआ मास्क है उस प्रकार का हाथ से बनाकर मास्क पहन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के पास अवेलेबल हो, मास्क नहीं हो तो रुमाल तौलिया जो भी हो अपने मुंह पे रखें, और दिन में जब भी बाहर जाए 4-5 बार 10-20 बार साबुन से हाथ जरूर धोए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, संक्रमित से बचे। मेरा सभी का आवाज से चैनल के माध्यम से आपका यही संदेश है। आज ग्राम पंचायत मिंडा के अंदर भाविका जन कल्याण संस्था के द्वारा हर समस्या जैसे समस्या आई है उस समस्या का निराकरण करा रही है, सर आपका उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भाई सीताराम जी नानोलिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर समय हर मुसीबत में ये लोग घर पर खड़े रहते हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासियों से अपील करूँगा कि आप सब करीब 6 फीट का फासला बनाकर रखें, फालतू बाजार में नहीं आवे और अपना जन सहयोग ग्राम पंचायत मिंडा को दे। सर, एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहा गया है कि घर में रहें सुरक्षित रहें, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत जरूरी है, इस महामारी से अपन सब लोग घर में रहकर ही बच सकते हैं, नहीं करें, ये उनका फैसला बहुत बढ़िया है।